जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर आइडेंट फिस्ट कैसे बनाते हैं, तो बने रहे इस वीडियो में। दोस्तों मैं आज आप लोगों को पांच ऐसे सिंपल से ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, डेफिनेटली इजी मेथड में आपका आइडेंट फिस्ट बनेगा दोस्तों। वो कौन सी पाँच ईजी ट्रिक है दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जी हाँ दोस्तों, आयरन फिस्ट बनाने के लिए आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि आपका हाथ डैमेज हो जाए। ये नहीं कि आप लोग स्टार्टिंग में दीवार पे मार लो, ग्री पे मार लो, कहीं पे पत्थर पे, किसी भी चीज़ में। एक्टिविटीज़ बहुत लोग करते हैं बच्चे यूट्यूब में वीडियोज देख देख के, राइट। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर हाथ आपका डैमेज हो गया तो आपका भविष्य ख़राब हो सकता है, तो ऐसा कुछ गलती नहीं करना है। सिंपल सा मैं आज आप लोगों को इजी मेथड बता रहा हूँ, उस टाइप से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, डेफिनेटली दोस्तों आपका आयरन फिस्ट जरूर बनेगा। डिस्टेंस में करना है, एक वॉल के सामने, आप दीवार के सामने खड़े हो जाओगे, एंड देन दोनों नकल से इस प्रकार से रखोगे क्रॉस पे, ठीक है। क्रॉस पे रखोगे, दो नकल्स यूज होने चाहिए इस प्रकार से, डिस्टेंस राइट। अभी यहीं पर हमें पुशअप लगाना है, किस टाइप से देखो, ये सिंपल सा, ये कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, ठीक है। इस टाइप से करना है आप लोगों को, तकरीबन इसको 20 बार 30 बार जितने बार हो सके दोस्तों आप लोगों को इसको करना है, राइट। 20 के तीन सेट ले लो, 30 के फिर चेंज करके इस प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से आपको करना है। ये दोस्तों इतना भयंकर रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। गलती नहीं करना है दोस्तों, कि ये नहीं कि आपको आयरन फिस्ट बनाना है तो एकदम भड़ मार दो। एक दिन में किसी का भी आयरन फिस्ट नहीं बनता, इसमें टाइम लगता है, तकरीबन 2 से 3 महीना लगता है दोस्तों इस मुट्ठी में जान आने के लिए, आयरन फिस्ट बनाने के लिए, राइट दोस्तों। जब ये हो जाए ट्रिक नंबर वन, तो अब ट्रिक नंबर टू में क्या करना है, वन पंच, एक पंच रखना है इस प्रकार से, देख लो इस प्रकार से रखना है, राइट। इस प्रकार से, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है, राइट। तो अब क्या करना है, सेम प्रोसेस में आपको ये करना है, ध्यान रहे दोस्तों आपका ये दो नकल्स जाएंगे, राइट, इस प्रकार से। तो इसको भी तकरीबन आपको 10 बार 20 बार 30 बार जितना आपसे बन सके उसका सेट बना लो, दो सेट मिनिमम, सॉरी मिनिमम 3 सेट ले लो। अगर आप लोगों को बेस्ट आयरन फिश चाहिए, पावरली पावर वाला चाहिए, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, राइट। जब इस हाथ से हो जाए देन इसको चेंज कर लेना इस प्रकार से, राइट दोस्तों। ये बहुत इजी ट्रिक है, मैं अपने स्टूडेंटों को, मेरा क्लास होता है तो मैं यही सिंपल सा इजी मेथड उन लोगों को देता हूँ, ये नहीं कि डायरेक्टली दीवार पे मारना है। तो ये था ट्रिक नंबर टू, अब आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर थ्री के लिए, राइट। इस प्रकार से आपको रखना है जिगजैग, राइट, ये रखना है, बस ये करना है, 1 and 2 3 and 4 इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को करना है, राइट। ध्यान रहे आपका फिस्ट फिस जाएगा इस प्रकार से, कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इतना भयंकर रिजल्ट मिलेगा ये ट्रिक नंबर थ्री को करने के लिए। ये दो फिस्ट याद रहे दोस्तों, राइट। जब ये ट्रिक नंबर थ्री हो जाए तो ट्रिक नंबर फोर करने के लिए दोस्तों वो ईंट की जरूरत पड़ेगी, राइट, इस प्रकार से जी, राइट। होल्ड रखोगे जितना देर हो सके, कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट, कम से कम 3 सेट रखना है, कितने का भी रखो, राइट। इस प्रकार से आपको होल्ड रखना, देन हो जाएगा तो रिलैक्स। ये था ट्रिक नंबर फोर, अब फाइनली बढ़ते हैं दोस्तों ट्रिक नंबर फाइव के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, ट्रिक नंबर फाइव करने के लिए आप लोगों को ट्रिक नंबर वन से ट्रिक नंबर फोर को आपको 1 से 1.5 महीने तक एवरी डे प्रैक्टिस करना है दोस्तों, राइट। अब फाइनली आपको नेचुरली आप लोगों को हिट करना है वॉल पे, राइट। मेरे पास ये है, आप लोग कुछ भी लगा सकते हो, वॉल पे कपड़ा लगा सकते हो या कोई गत्ता लगा सकते हो, राइट, या कोई ऐसा ही कुछ लगा लो, वुड का हो, तो कुछ भी आप लोग वॉल पे लगा के उसको इंटरनली प्रैक्टिस करो। या तो अगर आप वॉल पे डायरेक्टली करते हो तो हाथ में कुछ कपड़ा लपेट लो और नेचुरली आप लोग इधर मारो, क्योंकि इंटरनली विल आपका क्रिएट होगा इस प्रकार से, राइट। ये 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 तो इस प्रकार से आपको नेचुरली 1 से 1.5 महीना के बाद आपको इसको नेचुरली प्रैक्टिस करना है, पूरा भर भर के मारना है, कैसे पंच मारते हैं, राइट।
तो जी दोस्तों, ये था आयरन फिस्ट के ऊपर वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो दोस्तों, तो आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो दोस्तों। जो मैंने फर्स्ट ट्रिक टू फोर्थ ट्रिक बताया दोस्तों, उसको कम से कम एक से डेढ़ महीना प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद जाके आप लोगों को ट्रिक नंबर 5 वॉल पेन नेचुरली प्रैक्टिस करना है दोस्तों। इससे आपका इंटरनली विल पावर होगा और डेफिनेटली आपका आयरन फिस्ट बनेगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करना, इससे मैं बहुत मोटिवेटेड हूं और ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। और साथ ही साथ उन दोस्तों को भेजो दोस्तों जिनको पता नहीं है कि आयरन फिस्ट कैसे बनाएं दोस्तों। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वीडियोस देख देख के वॉल पे मारते हैं, अंधाधुंध मारते हैं, खंभे पे मारते हैं, ट्री पे मारते हैं, हाथ डैमेज कर लेते हैं, हाथ फ्रैक्चर कर लेते हैं। इससे दोस्तों बहुत भारी भरकम उनको नुकसान होता है दोस्तों। उन दोस्तों को भी जरूर भेजना दोस्तों। अगर मेरे दूसरे YouTube चैनल पे विजिट नहीं किया तो जाओ दोस्तों, जाके विजिट करो। वहाँ मेरी लव स्टोरी, लाइफ स्टोरी, कराटे स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस रखी हुई है। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ और जाके विजिट करो। और अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। तो जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।